डियर स्टूडेंट्स, दमशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.6 के बारे में, जिसके अंदर आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए 13.6 के कंप्लीट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहां पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर यहां दिया हुआ है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स वाटर कैन होल्ड ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। कितने लीटर वाटर ये होल्ड कर सकता है, ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट सर्कमफ्रेंस जिसका बेस दिया हुआ 132 और हाइट 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। देखिए, हम ये मान लेते हैं कि जो इसका रेडियस है ना वो आर है और जो इसकी हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ जो सिलेंडर होता है वो होता है 2πr। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें यानी कि 2πr जो है सरकमफ्रेंस वो हमें दिया हुआ है 132, तो यहां से हम रेडियस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। 132 अपन ये 2 नीचे आ जाएगा, पाई की वैल्यू 7 अपन 22 अपन 7 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट करेंगे अगर हम यहाँ पे तो 21 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए, रेडियस तो आपको मिल चुका है 21 सेंटीमीटर। अब जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22 अपॉन 7 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 25, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 34.65 लीटर, राइट। इसी तरीके से अगर हम सिलेंड्रिकल वेसल की बात करें कि कितना वाटर वो होल्ड कर सकता है, तो वो होल्ड करेगा 34.65 लीटर ऑफ वाटर ये होल्ड करेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। एक इनर डायमीटर सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है जिसका इनर डायमीटर 24 सेंटीमीटर और आउटर है 28 सेंटीमीटर। लेंथ जो है पाइप की वो 35 सेंटीमीटर है। जो मास है पाइप का वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो वुड है उसका जो मास है 0.6 ग्राम है। तो आप कह सकते हो कि जो इनर रेडियस है ना R1 वो सिलेंड्रिकल पाइप का हो जाएगा 24/2, इसको कैंसिल आउट करेंगे 12 हो जाएगा, और आउटर रेडियस जो है वो हो जाएगा 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। हमने इनर और आउटर दोनों रेडियस को फाइंड आउट कर लिया है। जब हमें इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों ही हमें मिल चुके हैं और उसकी लेंथ हमें 35 सेंटीमीटर दी हुई है, तो जो वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसमें आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे यानी कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा और 12 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो जब हम इसमें से कैंसिल इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 110 इंटू 52, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई है ना ये स्क्वायर में है, राइट, ये स्क्वायर में है, राइट। यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई है वो स्क्वायर में है। क्यों स्क्वायर में है इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने 14 और 12 यहाँ पे फाइंड आउट किया कैंसिल आउट करने के बाद, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं वो स्क्वायर में ही है और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कंप्लीटली 1720 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब होती है इसकी यूनिट जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं सिलेंडर की, राइट। तो अगर हम इसमें मास जो दिया हुआ है, जो उसका वेट एक तरीके से आप कह सकते हो 0.6 ग्राम दिया हुआ है, अगर हम इसको जो हमारा दिया था 5720 आया हुआ, तो इसमें 0.6 ग्राम से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3432 ग्राम आएगा, राइट। तो आप कह सकते हो कि अगर इस ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना हो तो 3 kg 0.432 ग्राम, राइट। तो 3.432 किलोग्राम होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, जिसमें दिया हुआ कि अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 पैक्स में अवेलेबल है, जिसमें दिया हुआ कि अ टीन कैन विथ अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड विथ 4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। एंड ये देखिए, ये 15 है, ये 4 है और ये 5 है। अब लेंथ हमें दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है और हाइट भी दिया हुआ है, राइट। अब यहां पे इसका हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटी। तो ये टीन है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कैपेसिटी पता चल जाएगा कि कितनी है इसकी कैपेसिटी। तो इसकी कैपेसिटी 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक चीज पूछी गई है, बहुत इजिली आप देख पाओगे कि अ प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, विच कंटेनर हैज अ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। कौन सा कंटेनर ज्यादा है, एक का डायमीटर 10 है, एक का हाइट 10 है और डायमीटर 7 है, और कितना ज्यादा है। देखिए, अगर हम रेडियस की बात करें ना
जो प्लास्टिक सिलेंड्रिकल है तो वो 7/2 यानी 3.5 हो जाएगा, और हाइट की बात करें तो ये 10 होगा। अब हम इसमें एक चीज देख सकते हैं इजीली, जो कैपेसिटी है प्लास्टिक सिलेंडर की वो पाई आर स्क्वायर एच है, तो 22/7 3.5 का स्क्वायर इंटू एच, तो आप कह सकते हैं 11 × 35 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक है कैपेसिटी कितना ज्यादा है, तो जो सिलेंडर की कैपेसिटी हमारी 385 आई थी और कैपेसिटी उस कैन की कितनी आई थी 300, तो अगर हम 385 में से 300 को माइनस कर देंगे तो 85 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सिलेंडर का जो कैपेसिटी है वो बड़ा है उससे 85 सेंटीमीटर क्यूब से। अगर हम बात करें लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इट्स 5 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ इट्स बेस, बेस का रेडियस, और इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो हाइट दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, रेडियस जो दिया हुआ है ना सिलेंडर का वो आर दिया हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया हम सिलेंडर की बात करें तो 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर हम पाई आर स्क्वायर एच की बात करें 2 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो 2 × 3.14 × r × 5 सेंटीमीटर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां से हम r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन करके 92.2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 सेंटीमीटर आएगा। यहां से इन सबको सॉल्व करके ये जो पूरी वैल्यू नीचे आएगी तो 3 सेंटीमीटर आएगा, रेडियस आ चुका है हमारा। तो हम कह सकते हैं कि जो सिलेंडर है ना, जो उसका बेस है वो 3 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो रेडियस है वो तो हमें पता है, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है पाई की वैल्यू 3.14 हमें पुट करके। देखिए हाइट दिया हुआ है तो हम उसके रेडियस को हम मान लेते हैं आर, और सी एस ए इसका दिया हुआ है 94.2, 2 पाई आर एच की वैल्यू दी हुई है, तो अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो जो हमारा आर आया था वो 3 आया था, और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे चूंकि आर की भी वैल्यू हमें मिल चुकी है 3.5, और ये पाई की वैल्यू पुट कर दी हमने तो 141.3। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है एक पेंट, द इनर कॉर्ड सर्फेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 10 मीटर डीप, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट रेट 20 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट है 20 पर मीटर स्क्वायर, हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट 2200 दिया हुआ, तो इनर कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ वेशल क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ₹20 इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इसमें दिया हुआ 2200, और अगर हम कॉस्ट की फाइंड आउट करें कॉस्ट की पेंटिंग तो ये होगी 1/2, इसको अगर हम 1/120 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एरिया है उसका, तो इतना एरिया में वो कवर होगा 110। और सरफेस एरिया की बात करें तो इनर सरफेस एरिया 110 दिया हुआ, 110 हम कह सकते हैं कि इस तरीके से 110 आ गया, क्योंकि ये ₹20 है ना कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है इतना एरिया का, राइट। तो अब हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि जो बेस का रेडियस है वो आर है, हाइट 10 है जो कि डीप है वही हाइट है, सरफेस एरिया 110 अभी हमने फाइंड आउट किया इस कॉस्ट के बेसिस पे कि कितना होगा, तो 110 ये दिया हुआ है और 2 पाई आर एच दिया हुआ है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, रेडियस यहाँ से निकाल लिया हमने, इन सबको सॉल्व करके 110 से डिवाइड करेंगे 7/4 बचेगा, 1.75 रेडियस आ गया इसका। देखिए कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी होगी, और कैपेसिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है वैशल की, तो कैपेसिटी मतलब उसका एक तरीके से वॉल्यूम होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच होता है जिसमें वैल्यू केवल हमें पुट करनी होगी, अभी हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करी और एच हमें दिया हुआ है 96.25 मीटर क्यूब होगा, तो कैपेसिटी जो होगी वेसल की वो 96.25 मीटर क्यूब होगी। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, ये लिखा हुआ द कैपेसिटी ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ द हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, कितने स्क्वायर मीटर मेटल सीट की जरूरत होगी इसको बनाने में। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड बी आर, जो सर्कुलर एंड होगा ना रेडियस उसको हम आर मान लेते हैं, जो हाइट है सिलेंड्रिकल वेशल की वो 1 मीटर है, जो वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल वेशल की वो 15.4 लीटर है, जिसको हम कह सकते हैं 0154 मीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो पाई आर स्क्वायर एच है वो होगा 0.0154 मीटर क्यूब, राइट।
तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 0.0154 मीटर क्यूब, तो आर इक्वल टू 0.07 मीटर, राइट। इस तरीके से ये कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेशल हमें फाइंड आउट करना है, तो 2πr r + h होगा। तो हमने वैल्यू पुट करी और इसको सॉल्व कर दिया, और ये सॉल्व करना आपको सीखना होगा, 0.4708 मीटर क्यूब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑफ वुड विद द सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड विथ इंटीरियर एंड द डायमीटर ऑफ पेंसिल। जो पेंसिल का डायमीटर है वो 7 mm है। देखिए यहाँ भी mm में है, ये सेंटीमीटर में, तो हमें देखना होगा इस लेंथ को भी हमें चेंज करना होगा, और हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वुड का और ग्रेफाइट का भी। ये अंदर जो पेंसिल के अंदर जो होता है ना, उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं, और ये 1 mm है और ये 14 है और ये 7 mm इसका डायमीटर। तो डायमीटर है तो रेडियस हमें फाइंड आउट करना होगा, तो 7/2 करेंगे। ये 7/2 है, राइट, यहाँ पे 72 नहीं है, 7/2 है। रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, तो 7/2 रखना होगा, 7/2 mm, तो हो जाएगा 0.35, राइट। जब 0.35 हो जाएगा रेडियस इसका, तो ग्रेफाइट का भी हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये 1/2 हो जाएगा, चूंकि 1 दिया हुआ है तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 mm यानी कि 0.05 mm सेंटीमीटर, राइट। हमने क्या किया, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, और ये सॉरी ये भी एमएम में है और ये भी एमएम है, सॉरी सेंटीमीटर यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है। और इस तरीके से हमने क्या किया, 14 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है, तो जो चीज़ हमें रेडियस भी मिल गई है ग्रेफाइट की भी और उसकी भी, तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, तो ये 0.35 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर इंटू 14। अब इन सबको सॉल्व कर दिया हमने, तो ये 44 इंटू 0.12 आ गया, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी तरीके से अगर ग्रेफाइट के वॉल्यूम की बात करें, तो 0.05 था इसका रेडियस ग्रेफाइट का, फायर स्क्वायर एच में वैल्यू पुट करी तो ये आ गया, और R2 यहाँ पे रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू को पुट करके हमने सॉल्व कर दिया, ये 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सॉप डेली इन द सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, और जो बाउल है ना वो इसको सॉप से फिल किया जा रहा है विथ सॉप एंड हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। हाउ मच ऑफ हॉस्पिटल हैज प्रिपेयर डेली सॉप 150 पेशेंट को देने के लिए, कितने हमें सर्व करना होगा। ठीक है, बाउल हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है डायमीटर, तो डिवाइड कर देंगे, रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर का। जब हम हाइट की बात करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम की बात करें पाई स्क्वायर एच है, तो 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा 11 इंटू 3.5 इंटू 4, तो आप कह सकते हो 154 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो जो अमाउंट है वो 154 सेंटीमीटर क्यूब होगा 1 पेशेंट का, और ऐसे ही हमारे पास कितने पेशेंट हैं, 250, तो उसमें हमें क्या करना होगा, 250 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कंप्लीट आ जाएगा। और इस सेंटीमीटर को अगर लीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.001 लीटर होता है, तो ये 38.5 लीटर सॉप में बनाना होगा पेशेंट पेशेंट के लिए, राइट। और आई होप कि ये जो एक्सरसाइज है ना वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है, किसी भी तरीके का कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कर सकते हो आप कॉन्टैक्ट, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। पीपीटी लाइव क्लासेस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट है उसके लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।